सिर्फ वैक्सीन फिगर्स कोन पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो ताजी आई है उन्हें चवा चोरी रुगो बंद करायो डिस्ट्रीब्यूशन इंसाफ से करो तो क्राइसिस आए को हलो पर अस मू था चलो क्राइसिस भी थर कोयल जहां वा रिजर्व हरिजन साहब बुधान था उन्हें भी गैस में कन्वर्ट कर सकते थो हाँ बिल्कुल थर कोल के उन हवाले से ताजी तहकीक कई हाजिरन नाजरन के बुधा तो इन में केतरी गैस जनरेट कर सकते थी थर जहां कोल रिजर्व तमाम घना उनमें अस एतरी गैस पैदा कर सकूं था जो मान 200 ईयर्स 200 साल ती असा तवानाई की डिमांड है पूरी कर सकूं था गैस अस सभी जो यूजर्स उन्होंने उतरे इस्तेमाल कर सकूं था बिजली पैदा कर सकूं था उनके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी यूज कर सकूं डॉक्टर समर मुबारक में सरबराही हेठे काफी साल अखबारों में उनकी एक्टिविटीज रिपोर्ट रही बस एतरी गैस ठही वही एतरा मेगावाट अचे पी उन हवाले से बिंग जुआल तवी स्टडी है तुम बिन्ई फील्ड से कम पाया काफी अरसे का थरकोल जखीरा लेट 80s में या 88 के धारा पहिरियों दफ़ो खबर पई पाणी जे ड्रिलिंग जे लाइ जॾहिं प्रोजेक्ट हलियो पियो त उन में उन्हनि उन खां पोइ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सां मिली काफ़ी कम कयो ऐं उन्हनि अंदाज़ो लॻायो त हिते 185 या 175 बिलियन टन कोयलो मौजूदु आहे ऐं उन खां पोइ काफ़ी फॉरेन जो कंपनीज आयूं चाइना जो आयूं जर्मनी जो ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने कम कर फिजिबिलिटी स्टडीज थियूं तो इन कोयले के की यूज कज उन पावर ठाजे बिजली ठाजे एक या बे सबब के कर सब कंपनियों आस्ते आस्ते वरी प्रोजेक्ट अद में छे वरी हली वही उन हिंसर भी टे चार कंपनीज आन जो बाहर जो कम कन थियं उन अलावा हिकिड़ो यूसीजी जो प्रोजेक्ट हले थो पियो जंहिंजो अख़बारनि में या मीडिया ते तमामु घणो ज़िक्र आहे जंहिंजो डॉक्टर समर मुबारक मन इंचार्ज आहे त हाणे इन जे हवाले सां मूंखां काफ़ी माण्हू पुछंदा आहिनि त ही 20 साल गुज़री विया आहिनि कोयलो छो नथो इस्तेमाल हर रोज़ अख़बार में ईंदो आहे पतो थिए मीटिंगूं पतियूं थियनि असांखे लॻंदो आहे ॼाण बिजली निकिती ॼाण कुझु थियो कुझु निकिरे ई नथो त इन जो जेकॾहिं मुख़्तसर जवाब इहो आहे त असांजे मुल्क में ॿई शयूं कोन्हनि के जेको पैसो खपे थो उहो बि कोन्हे को ऐं एक्सपर्टीज़ बि कोन्हनि के हाणे इहो थियो हिकिड़ो सिंपल आंसर ऐं मुख़्तसर पोइ उन खां अलावा जेकॾहिं ॾिठो वञे त काफ़ी अहिड़ो रेज़िस्टेंस आहे विथ इन अवर कंट्री माना असांजे मुल्क जे अंदरि ऐं मुल्क खां ॿाहिरि इहो मां ॿुधाईंदुसि त मुल्क जे अंदरि कीअं मुल्क खां ॿाहिरि कीअं छो त असां वटि ज़्यादातर हींअर बिजली पैदा थिए थी तेल ते ऐं तेल जे इन सॼे कारोबार में तमामु घणा माण्हू इन्वॉल्व आहिनि जेकॾहिं असां कोयले खे यूज़ कंदासीं बिजली लाइ त उहो कारोबार घटिजी वेंदो त हिकिड़ो रेज़िस्टेंस इहो आहे ॿियो रेज़िस्टेंस इहो आहे त हिन कोयले जी जेका लोकेशन आहे त इन लोकेशन ते इन कोयले खे इस्तेमालु करणु या डेवलपमेंट करणु पॉसिबल आहे त इन जे लाइ बि कुझु रेज़िस्टेंस आहे जंहिंजे करे 20 साल बि आहिनि इंटरनेशनल मां छो थो चवां बिन अलक़वामी तौर ते असांजी पाकिस्तानी कंपनी एंग्रो एंग्रो गुज़िरियल 4-5 सालनि खां वठी थर कोले ते कम करे थी फिज़िबिलिटी स्टडी तयारु कई अथनि ऐं उन्हनि बिल्कुलु हर शइ प्लान डिज़ाइन तयारु कयो ऐं हुननि खे उमेद हुई त वर्ल्ड बैंक उन्हनि खे पैसा ॾींदी त हू माइन बि उते डेवलप कंदा ऐं पावर प्लांट बणंदा पर गुज़िरियल साल खनि खां वठी उन्हनि खे कंटीन्यूअसली मुख़्तलिफ़ जेके फाइनेंशियल इदारा आहिनि इंटरनेशनल उहे उन्हनि खे पैसनि खां जवाब पिया ॾियनि ऐं इते मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि एड कयां त असां वटि एम्बेसेडर आयो जर्मनी जो कुझु टाइम अॻु में यूनिवर्सिटी में त कहिड़ी कोलाबोरेशन कजे यूनिवर्सिटी ऐं जर्मनी जे विच त उन खे मूं इहा सलाह ॾिनी त असां वटि थर कोयलो आहे ऐं जर्मनी वारा इहो साॻियो कोयलो साॻी क्वालिटी ऐं उते बि 300 मीटर हेठि आहे ऐं उहो ओपन पिट माइन करे कढी ऐं 20,000 मेगावाट बिजली था ठाहिनि त मां तव्हां वटि एक्सपर्टीज़ बि आहे टेक्नोलॉजी हर शइ असांखे हेल्प कयो त हुन चयो त न दिस इज़ अ डर्टी बिज़नेस माना हीउ हिकिड़ो कोयलो जेको आहे उहो गंद फैलाए थो एनवायरमेंट लाइ सही न आहे तंहिंजे करे असां डिस्करेज था कयूं हाणे इहो जेको इशू आहे वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंट जे करे एनवायरमेंटल फ्रेंडली न आहे कोयले मां हालांकि ईअं कोन्हे को छो त हुननि जेको जर्मनी में हींअर ताज़ो हिकिड़ो प्लांट हयो आहे उहो प्लांट एनवायरमेंट फ्रेंडली आहे ऐं CO2 खे कैप्चर करण जा तरीक़ा अची विया पर
कुछ अड़ा फैक्टर्स जैसे कर भी हेल्प को मिले। हाँ रही गाल असा यूसीजी जो प्रोजेक्ट है तो उन्हें गाल चवा तो हिंसर दुनिया में सिर्फ एकड़ो प्लांट है उज्बेकिस्तान में जो 100 मेगावाट बिजली ठाए तो। अच्छा यो प्लांट 1961 में शुरू थो अज 50 साल गुजरने का भी वो सिर्फ 100 मेगावाट बिजली ठाए तो उनमें का भी डेवलपमेंट कान्ने का वो छाजे करे ना है छो तो यो कमर्शियली वायबल कोने को सोवियत टेक्नोलॉजी से ये एक्सपेरिमेंट शुरू थिया हुआ हिंसर ती उन इन्हें करे हलायन था तो मन का उन्हें का बेहतरी अचे यो कि मुमकिन है सिंध गवर्नमेंट असाजी फेडरल गवर्नमेंट रोज उन लगे तो अल्टीमेट होप आ तो जन कुछ न कुछ थी पवन एडा रिसोर्सिस उनमें इन्वेस्ट कन पता जैसे तो उन्हें तह लगे तो तवक् घनी कान्ने का तब्दील मैडम एज अ साइंटिस्ट जो है उन्हें प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट की हद तई सपोर्ट क्या तो पर कमर्शियली तवा के लगे तो बिल्कुल कमर्शियली उन चांसिस तमाम घट आन तो वह सुबाने असा के का उन्हें बिजली ठाऊं 100 मेगावाट या 500 मेगावाट जैसे केर चवे तो यह गाल एज अ साइंटिस्ट मुझे समझ का बाहर ही जो असाजे प्रोफेसर साहब गाल कई दस्तगीर भट्टी साहब अस मीडिया में एडी पॉजिटिव कवरेज आने इशू के हवाले से एक तो छो अस मू पूरी दुनिया की ना रखन नजर बी एक गाल बुधाई तो गैस की चोरी आ वे पैमाने से हि एतो अवामी प्रेशर है एतरी इन विजिलेंस आ उन बावजूद भी यह एतरी कसास बाजारी रही सके थी बी यह गाल सिंध में जखार की कमी कान्ने का सिंध घणो कंट्रीब्यूट करे तो सिंध में यह लोडशेडिंग छो हो छो असो मू जो एतो कंट्रीब्यूट करे पे वो लोडशेडिंग के भोगे तमाम सही फरमाया तो अस जडे 70% का मथे प्रोडक्शन दियू था असा रिक्वायरमेंट उन अध जेतरी है असा पूरा कर बाकी अगते दियन इंसाफ की तकाजा भी है आईन में भी ये लिखल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दी प्रोविंस ऑफ प्रोडक्शन कोई सिंध गवर्नमेंट छो नथी करे ने ते सिंध गवर्नमेंट ते सो खुद मुख्तारी मिली है बया सुबह फुरे पे वटन नहीं वठन ला तैयारी को वो चौधरी वजीर बाजार तो सब पवटन सिंध गवर्नमेंट तो पान जिक्र ही न करियो मुख्य सिंध गवर्नमेंट नाले का गवर्नमेंट नजर ना आई है गुजरे इतने सालन में हाँ गैस जो जिस तई ताल्लुक है तो मु सबेर ताके बुधा पे तो जेके फिगर्स दिनन वर्ल्ड बैंक तो लीकेज है रुगो नॉर्दर्न अपर हाफ ऑफ पाकिस्तान है यानी फ्रंटियर पंजाब पान वट सु सदरन है सिंध बलुचिस्तान उत्ते है या 2.5 अरब रुपया महीनो 30 अरब रुपया साल 50 साल जो काथो लगा तो घना सागी रीते हिते बस 2.5 अरब रुपया महीनो रुगो लाइन लॉसेस जेके लाइन लॉसेस था चोन जेको नाम ने हद लाइन लॉसेस नालो न वे अजा वधिक थी सकन था पर वो चोन था थी उन के हु चुनन पंजो UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस अच्छा यानी जो हिसाब किताब ना हिसाब किताब ही कोने को एडा मजबूत पाइपलाइन है बिल्कुल UFG ते पे वाले सो ता दिसन गैस से पाइपलाइन से बिल्कुल नन मा लीकेज तर जो सवाल न तो पैदा खैर बी गाल जका है ता हते पॉलिटिक्स दी साई जगह गाल के सा अधूरी के हम पूरी तो कया ऑयल लॉबी बड़ी मजबूत है ऑयल लॉबी जका मिंट मिंट में जको है जे मिंटिंग मशीन है पैसो छपण वाली मशीन ऑयल लॉबी जो मिंट मिंट में तेल खपे तो वो कई करोड़ कई अरबन जो प्रॉफिट डेली जो या आए वाकई इंटरनेशनल लॉबी असाजा मकामी कंपेरेडोर्स भी उनमें उन शामिल है हिस्सेदारी में जिनमें असा हुकुमरान माजी वा अजो का उसे चाहन था या ऑयल वाली कमाई जो है सुबह डिसिपेट थी वे हथर में निकली वन न चाहता तो यो असा सिस्टम खराब थे इन कर जानी वाणी डिली डेलिंग ये डिलेइंग टैक्सिस यूज कन था तरह कोले थे मोहतरमा तक याद हों तो 93 में गोल्डन बू वन की कंपनी के घुराए केटी बंदर से ये कोयले जहा प्लांट हाँ रेलवे लाइन विछाणी भी जो थर में कोयलो खी अचे इतना प्रोडक्शन थे इलेक्ट्रिसिटी वो नवाज शरीफ साहब पावर में आया बिन साल अच्छी प्लान ही शिफ्ट कर छोड़ जुल्फकाराबादा यो भी जमीन जो घपलो हों वो जो डोकड़ कमाने का चक्कर हों ऑयल लॉबी एडी स्ट्रांग है बार बार इतने चाइनीज वेचारा आया जिन अच्छी ढी एक्सप्लोरेशन कई मेहनत कई खर्च कयाऊं चाइनीज मारा छन उनके हिसाए इंजीनियर अगवा कराए छन किडनैप क्या उन खिसकी था पुछा तो ना सेफ्टी ना सिक्योरिटी एनवायरमेंट सुनो ना इन कर हरकतू कंदा रहा हि तो सिंध के मांग के पैं किस्मत पैं हथ में पा खी पवी तरह पा इन शन हुकुमरान
खैर की उम्मीद रखन बबरन का बेर घुरन पर जावेद अहमद के को सवाल आए मा चैंदस वे पुछ मुंजो सवाल आए सई दस्तगीर भट्टी साहब का ए बयो सवाल आए मुंजो सई खान जी मेघवाड़ साहब का पेरी मा सई दस्तगीर साहब का पुछंदम जी तां जिक्र कयो त जका सिंध में या पाकिस्तान में वडे पैमाने ते जका गैस जी जका चोरी थे थी त असान चोरी के की जका असा रोके सकौं ता केड़ा उपाय वठन खपन एक आम मानु के गवर्नमेंट में बैठल मानु के जका वो की असा रोके सकौं ता बियो सवाल आए मुंजो साईं खान जी मेघवाड़ साहब का जी तसो तां जाम छोरो आए जा केटी बंदर आए जा जिके असाजा कोस्टल एरियाज आन उते विंड जी जका माने तमाम घणो जका प्रॉस्पेक्ट आए तो जो का विंड एनर्जी जो है वह सिंध की जरूरत मन एनर्जी जरूरत कितने हद तक मन जो पूरा कर सकें थी ठीक है ताजी मेहरबानी पर असा पा गल गैस के बुहरान से तो असा चौथा था गैस के बुहरान के किए मोह जाऊं विंड एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी ते इंदासी भट्टी साहब तवा का सवाल पुट तवा जो चौथा था किए कंट्रोल कजे यो थाने सजी दुनिया में कंट्रोल थल है सजी दुनिया में क्राइम से जी कंट्रोल कबो तीन यो कंट्रोल कर सके तो इनमें का वडी रॉकेट साइंस की जरूरत कान्हे गाल है ईमानदारी कयादत जी सच्चाई जी बस या गाल है नाज़रीन बे सवाल जो जवाब असन थोड़ी देर का पो वापस अचे वठू था असन गड रहजो टाइम थी वे आखरी ननड़ी ब्रेक जो वेलकम बैक नाज़रीन खान जी साहब तमा का एकरो सवाल हो नौजवानन जो तने विंड एनर्जी के असन अगर कोई बताए ने विंड एनर्जी के गैस ठाए सकू ता जा जी अदे जो क्वेश्चन यो है ता जो असो कोस्टल बेल्ट कराची का वेंदे जामशोरे ताई हैदराबाद ताई इन में 200 का 300 गीगावाट बिजली पैदा करण जो आहे पोटेंशियल है 200 का 300 गीगावाट जदे अस वट हियर जगह बिजली पैदा थे पी पैदा न बल्कि जो आहे कैपेसिटी आहे वह 20 गीगावाट आ सिर्फ 20 आए 200 गीगावाट में अस बिजली पैदा कर सकूं था हाँ गैस जो क्राइसिस है उनके बिन तरीकों से घट कर सो यो है भाई बिजली पैदा क्यों वो उतने इस्तेमाल क्यों जिते गैस इस्तेमाल थे पी तो उतना गैस की सेविंग थी बो ऑप्शन यो है असा जो बिजली पैदा थे उनके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट क्यों एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उनमें वाटर ब्रेक थो हाइड्रोजन गैस पैदा थी उ हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस की जगह यूज कर गाड़ियों में यूज कर खाधे पीते इनके पचाने में कुकिंग के लिए यूज कर सोता तो जिते भी नेचुरल गैस यूज थे उनके उनके मुतबादल थी सके थी या हाइड्रोजन गैस अच्छा बो असा यो बुधा तो असा जो गैस दरियाफ्त थे थी उन्हें टोटल अगर खर्च सजो दिसजे तो एक यूनिट केतरो होजन घुर्जे असा वट तमाम घणो महंगो तो पवे तो वो तवा साइंटिफिकली दिसो था तो उन्हें केतरो खर्च है यूनिट मन असा वट